दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन मधुमक्खियों को विस्फोटकों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन वे वास्तव में विस्फोटकों का पता कैसे लगाती हैं और फिर मनुष्यों को कैसे सूचित करती हैं? खैर, शुरुआत में उन्हें ठीक 6 सेकंड के लिए विस्फोटकों की गंध के संपर्क में रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें चीनी पानी का इनाम दिया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक मधुमक्खियाँ विस्फोटक गंध को स्वादिष्ट इनाम के साथ जोड़ना शुरू नहीं कर देती। इसके बाद उन्हें एक उपकरण में रखा जाता है और परीक्षण के लिए क्षेत्र में ले जाया जाता है। उन्हें 6 सेकंड के लिए बैग में हवा के संपर्क में रखा जाता है। यदि उन्हें विस्फोटकों की गंध आती है तो वे दावत की उम्मीद में अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया डिवाइस के भीतर मौजूद कैमरों और सेंसरों द्वारा कैप्चर की जाती है।